हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ब्लेस्ड विद बेबी। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने 6 महीने से बड़े बच्चे के लिए घर पर कैसे एक हेल्दी सेरेलैक बना सकते हो, जिसमें आपको पता होगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स आप अपने बच्चे को दे रहे हो और जो आपके बच्चे के लिए हेल्दी भी है और आप इसे घर में बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। देखिए, इसमें मैंने आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे इसमें रखे हुए हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ऊपर देखिए, यहाँ पर दालें रखी हुई हैं। इसमें स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले है ये मूंग की दाल है आधा कप, और ये है आपकी मसूर की दाल आधा कप। नेक्स्ट आपकी ये मैंने रखी हुई है आधा कप अरहर की दाल। उसके बाद है ये आधा कप चावल। नेक्स्ट है आधा कप खड़े मूँग की दाल है, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है खड़ा मूँग है, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का है। और नेक्स्ट ये वाली है आपकी आधा कप उड़द की दाल। तो ये आपकी दालें हो गई और साथ में मैंने एक साथ में चावल रखा हुआ है। तो इसमें 5 तरह की दाल है और एक चावल है। चावल मैंने ज़्यादा नहीं दिया है बिकॉज दाल में ज़्यादा पोषण होता है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट और सामान क्या क्या रखा हुआ है इसमें, ये देखिए 20 के करीब मैंने अब बादाम रखे हुए हैं। और ये आधा कटोरी आपकी मूँगफली है, मूँगफली जो साफ करके रखी हुई है। ये आपके 20 के करीब काजू रखे हुए हैं। एक कटोरी आपकी ये गेहूँ की दलिया है जो मार्केट में आपको मिल जाएगी, इसे साफ़ करके दलिया मैंने रखी हुई है। और ये है आपका ओट्स। तो ओट्स जो आपको मार्केट में मिलता है उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, एक कटोरी आपका ओट्स है। तो ये सारा सामान है। इसमें आपको करना क्या है, जो दालें और चावल हैं इसको एक एक करके आपको धुल लेना है और धुलने के बाद सुखाना है। तो देखिए, मैं एक एक करके जितनी भी दालें हैं उनको धुल लेती हूँ, और धुलने के बाद सारी दालों को धुलने के बाद सूखने के लिए रख दूँगी, जिससे जब वो पूरी तरह सूख जाएंगी तब मैं उनका आगे यूज़ करूँगी। तो देखिए, ऐसे मैंने ये वाली दाल धुली है, वैसे मैंने सारी चीज़ें दाल और चावल को धुल लिया है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें धुल गई हैं। तो अब ये देखिए, इसमें सबको एक बड़े बर्तन में आप फैला कर रख दीजिए, जिससे उसकी नमी अच्छे से पंखे के नीचे आप रख देंगे तो सारी नमी उड़ जाएगी और वो बहुत जल्द ही, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 15 से 20 मिनट के टाइम में ये अच्छे से सूख जाएंगी अगर आप इसको फैला कर ऐसे रख दोगे तो। और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तब आपको इनको ड्राई रोस्ट करना है, किसी कढ़ाई में या पैन में लेकर आपको इनको ड्राई रोस्ट करना है। तो मैं इन्हीं को करूँगी, बाकी सारी चीज़ें जो फल हैं, जो मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है। तो जब तक वो सूखती हैं तब तक मैं आपकी दलिया और ओट्स इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, अब तक आपकी दाल सूख जाती है। तो ये देखिए, पहले मैं दलिया को, जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए या गोल्डन टाइप कलर, तब तक आप उसको रोस्ट करते रहिए कढ़ाई में। सिंपली मैंने सिंपल कुछ भी तेल या ऑयल नहीं लिया हुआ है, घी वगैरह नहीं, सिंपल केवल कढ़ाई में मैं इसको ओट्स को अब रोस्ट कर लेती हूँ, ओट्स पाउडर जो मैंने बना के रखा हुआ था। अब तब तक मेरी दालें सूख चुकी हैं, तो मैं एक एक करके सारी दालों को, जैसे मूंग की दाल हो गई है और आपकी नेक्स्ट अरहर की दाल है, तो एक एक करके मैं सारी दालों को रोस्ट करूँगी। और सबको अलग अलग रोस्ट करना है, जिससे कि सबका जो रोस्ट करने का टाइम है वो अलग अलग होता है। तो लाइट ब्राउन या फिर गोल्डन कलर हो जाएगा तब तक आप इसको रोस्ट करते रहेंगे। ये देखिए, आपकी ये है मूंग की दाल है, छिली हुई मूंग की दाल। नेक्स्ट अब आप, मैं ये उड़द की दाल को रोस्ट कर लेती हूँ। और सबका अलग अलग का टाइम है, इसीलिए सबको अलग अलग ही रोस्ट करना है। ये है आपकी मसूर की दाल, देखिए। नेक्स्ट अब हम चावल को रोस्ट कर लेते हैं, इसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका है खड़ा मूंग, इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट मत करिएगा क्योंकि ये समझ में आ जाता है पहले ही। अब देखिए, जैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई तो इसको एक बर्तन में, मैंने अलग अलग बर्तन में सबको रख दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया है पहले से, सबका कलर हल्का सा गोल्डन और लाइट ब्राउन टाइप का लग रहा है। और ये मैंने मूँगफली के दाने और ओट्स दलिया सारी चीज़ें रखी हुई हैं ठंडा होने के लिए। बादाम और काजू मैंने यहाँ पे इस समय नहीं रखे हुए हैं बिकॉज़ ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको सेरेलैक में डालें या ना डालें। वो अब क्या करेंगे हम, आप देखिए, अब मैंने इसमें देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी करके मिला ली, सब चीज़ें हैं बस थोड़ी थोड़ी करके मिला के आप, मैंने यहाँ ग्राइंडर में, ग्राइंडर का एक बड़े से जार में रख ली है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीसिए जिससे वो पाउडर अच्छे से पिस जाएगा। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके अपना मिक्सचर पीसेंगे। अब देखिए, ऐसे मैंने इसको पीस लिया तो ये इतना बारीक पाउडर बन गया, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीसा था, बिकॉज ये अगर आप ज़्यादा पीसोगे तो फिर वो एक साथ इतना पतला पाउडर नहीं बन पाएगा। तो अब हम इसको एक सारा, जितना भी हमने पीस लिया है, इसको हम एक जार में किसी बंद करके रख देंगे। ये आपका देखिए, इतना सारा आपका ये अमाउंट हो गया है, ये आपका 1 महीने आराम से चल जाएगा।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। इसके लिए आपको 3/4 ग्लास 3/4 ग्लास पानी लेना है। तो पानी को आप पैन में डाल लीजिए जिसमें भी आपको बनाना है। अभी इसके बाद आपको एक बड़ा चम्मच जो सैलडेक आपने बनाना है इसको उसी नॉर्मल पानी में या फिर ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में आप कर सकते हैं, तो इसे घोल लेना है, अच्छे से घोल लेना है पहले से। बिकॉज़ अगर आप पहले से गैस ऑन कर देंगे गर्म पानी में ये घुल नहीं पाएगा, इसलिए इसे पहले नॉर्मल पानी में घोल लेना है। जब इसमें कोई भी लम्स नहीं रह जाए, आप देख लीजिए पूरी तरह से घुल जाएगी, उसके बाद ही आपको इसमें गैस ऑन करनी है। तो इसके लिए देखिए मैंने पूरा घोल लिया है अच्छे से। अब इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसे नमकीन फ्लेवर बनाना चाह रही हूँ। तो नमकीन फ्लेवर बनाने के लिए इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें एक चुटकी हींग डालूँगी। बिकॉज़ जो इसमें दालें पड़ी हुई हैं, अनाज पड़ा है, तो उसके लिए अगर बच्चे के पेट में गैस वगैरह होती है तो उस पर आप हींग डाल दीजिए। हींग बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैंने इसमें हींग डाल दी है एक चुटकी। अब नमकीन बनाना है तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए आपको एक बस चुटकी आपको नमक डालना है, तो मैंने ये नमक डाल दिया। अगर आपको नमकीन बनाना है तो आप ऐसे इसमें हींग और नमक डाल सकते हो, और फिर आप गैस ऑन कर लो, और उसके बाद इसको 5 मिनट तक आप अच्छे से मिलाने के बाद पकाओगे। इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, जब उबाल आ जाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ 5 मिनट पकने के बाद, बिकॉज इसमें जो भी दाल वगैरह है वो 5 मिनट तक पकाओगे तभी अच्छे से ये पक पाएगी। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और इस तरह की कंसिस्टेंसी का है। ये मैंने इसको नमकीन फ्लेवर का बना लिया है। आप देख सकते हैं ये खाने में देखिए कितना पतला है और हल्का सा पतला और गाढ़ा टाइप का है। अगर आपको इसको मीठे फ्लेवर का बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध अपने आवश्यकता अनुसार, जितना भी आपको पतला गाढ़ाना है, आप उसी पानी में बने हुए मिक्सचर में दूध ऐड कर दीजिए, और वो चीनी मिला हुआ दूध ऐड करिएगा जिससे वो मीठा भी हो जाएगा। तो ये इस तरह का देखिए ये बन गया। तो ये दो तरीके से आप इसको दे सकते हैं, या तो फिर आप मीठे फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर आप नमकीन फॉर्म में भी दे सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा हेल्दी वेट गेन का भी एक रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे आपके बेबी को कोई भी मोटापा वाला फैट नहीं आएगा, एक हेल्दी फैट आएगा जो भी उसके बॉडी में वेट गेन होगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।